गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ ग्रामर डे एंड आर लिटरेचर वाइब्स. आई कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर द कमेलियन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द ग्रामर. एंड इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट नाउन. आई होप यू डेली गेट द वीडियो ऑफ इंग्लिश रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट and the chapters and the worksheets properly. If you had any problem, then please ask to the Poonam ma'am. She will provide you each and everything about the related to the English. And if you need any doubts or any problems, so you have to be a message with Poonam ma'am also. Sure. So today we start our chapter nouns. I hope from the beginning of your studying material with class 1 to class 6, you already had a very good sound knowledge about the noun. कि आपको पहले से काफी सारी चीजें पता होंगी about the noun, कि noun क्या होता है, what is noun. तो जिसको आपने हिंदी में संज्ञा के form में भी आपने पढ़ा होगा कि noun हम उसको कहते हैं किसी person का name है, किसी animal का name है, किसी place का name है, किसी thing का name है. Everything that everything that keeps around us is noun. Chair is a noun, water cooler is a noun, or a cooler is a noun, teddy bear is a noun, or name of a person, किसी भी चीज़ का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस है, कोई थिंग है, ये सब क्या है, नाउन है. लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं. लेकिन अब हम बढ़ेंगे इनके काइंड, कौन सा नाउन किस फॉर्म में यूज होता है व्हेन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश. तो नाउन होते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द नाउन. वी नो दैट अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. देयर आर फोर काइंड ऑफ नाउन. ठीक है, हमको पता है कि ये सारे क्या है, नाउन है. किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस और किसी चीज का नाम, ये सब क्या है, नाउन है. और नाउन कितने टाइप के होते हैं, फोर: कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव. दीज आर दी काइंड्स ऑफ नाउन. ठीक है, कॉमन क्या है, वुमेन, प्रॉपर मिस्टर जॉर्ज, एब्स्ट्रैक्ट काइंडनेस, कलेक्टिव हर्ड. अब कैसे हम इसको समझेंगे वो हम इसमें पढ़ते हैं. ये इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. पढ़े हम पढ़ेंगे अबाउट दी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. रीड दी सेंटेंस बिलो. हरी मेड 20 रन्स. हरी ने 20 रन बनाए. ही इज येट अ बॉय. अब ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं किसके, कॉमन के और प्रॉपर नाउन के. अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है. अब यहाँ पे बात की गई थी फर्स्ट टेंस सेंटेंस में हरी की. तो हरी इज द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर बॉय, मतलब किसी एक बॉय का नाम क्या है, हरी है. तो हरी इज हिज ओन स्पेशल नेम एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. तो हरी क्या है, उसका खुद का एक स्पेशल नेम है, जिस वजह से उसको प्रॉपर नाउन कहा जाएगा. प्रॉपर मीन्स वंस ओन, जिसका वो नाम, वो जगह, वो चीज़ उसकी हो, उसके जिसके बारे में बात कर रही है. हरी के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम यहाँ बात करते कि अ बॉय मेड 20 रन्स, तो हम किसी भी एक कॉमन लड़के के बारे में बात करें कि किसी ने भी, किसी एक लड़के ने 20 रन बनाए. अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि हरी ने 20 रन बनाए. तो हरी क्या है, एक प्रॉपर तरीके से उसको स्पेसिफाई किया गया है कि हरी ने 20 रन बनाए हैं. तो अब हरी क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन है. लेकिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन. तब आप समझ रहे हैं कि नाउन्स तो होते हैं कि पर्सन को भी नाउन कहते हैं, एनिमल को भी नाउन कहते हैं, प्लेस को भी नाउन कहते हैं, थिंग को भी नाउन कहते हैं. लेकिन अब हम उनका क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशंस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे उसका यूज होता है, नाउन का किस तरीके से यूज किया जाता है. अब जैसे कि बात करें, ही इज येट अ बॉय. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द नेम बॉय मे बी गिवन टू एनी बॉय, मतलब कि बॉय को तो हमने बॉय जो नाम दिया है वो किसी भी लड़के का नाम बोला है, किसी को भी बोला है बॉय. ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया, हमने लड़के के बारे में बात कर रहे हैं.
ही इज अ कॉमन टू ऑल बॉयज, मतलब कि वो कॉमन है, हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ कॉमन नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ बॉय और क्या नाम रखें, हरी। ठीक है, तो अब ये क्या है, बॉय, बॉय क्या है कॉमन नाउन, हरी क्या है प्रॉपर नाउन। अगर हम बात करते हैं कि ही इज प्लेइंग विद अ बॉय, अब हमने क्या बात करी कि अगर सपोज कि आपके ब्रदर के बारे में कोई पूछता है कि व्हाट आर योर ब्रदर इज डूइंग, कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, तो तुम उसको क्या बात, तुम उसको अगर ऐसे आंसर कर रहे हो फॉर एग्जांपल कि ही इज प्लेइंग विद अ बॉय, कि वो एक लड़के के साथ खेल रहा है। अब आपने ही किसके लिए यूज़ किया, अपने भाई के लिए यूज़ किया, और बॉय कि वो एक लड़के के साथ खेल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक कॉमन कि एक लड़के के साथ खेल रहा है। अगर आपने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ही इज प्लेइंग विद हरी, तो हरी आपने स्पेसिफाई किया है, उस लड़के का नाम हरी है। ठीक है, तो अब हरी क्या है, प्रॉपर नाउन है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से, एक पर्टिकुलर एक लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है हरी। ठीक है, तो यहाँ पर हरी के बारे में बात हो रही, तो हरी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो यही प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है कि जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहे हैं। अब हम जब किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं हरी, तो हरी क्या है, प्रॉपर नाउन है। आ गया क्लियर। अब ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब्दुल एंड लतीफ आर ब्रदर्स, तो अब्दुल एंड लतीफ क्या है, भाई हैं, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मिस्टर लाल इज फ्लाइंग टू सिंगापुर ऑन फ्राइडे, मिस्टर लाल इज फ्लाइंग स्पेसिफाई किया गया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, तो ये एक एक्सरसाइज है जिसको आप करेंगे और मुझे रिवर्ट करोगे आंसर के कि क्या कॉमन है और क्या प्रॉपर है। ठीक है, आई थिंक इट वेरी मच क्लियर विद यू कि व्हाट इज कॉमन एंड प्रॉपर। कॉमन रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार, कॉमन वो चीज़ है जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर प्लेस क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में हमने नाम लिया है बकायदा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, मिस्टर लाल इज फ्लाइंग टू सिंगापुर ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को मिस्टर लाल सिंगापुर जाने वाले हैं, तो मिस्टर लाल के बारे में बात करिए। अब्दुल एंड लतीफ आर ब्रदर्स, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो ये दोनों भाइयों के बारे में बात हो रही, तो ये सब क्या है, प्रॉपर। ठीक, तो प्रॉपर क्या है, जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जाती है वो प्रॉपर है, और कॉमन है कि हम किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, कॉमन है। कैट है, तो कैट क्या है, कॉमन है। ठीक है, हॉर्स है, हॉर्स क्या है, कॉमन है। ठीक है, बर्ड्स कॉमन है। अब हम किसी का नाम ले रहे हैं, सपोज कि किसी के घर में कैट है, उसने उसका नाम सपोज करो उसने अपनी कैट का नाम किटन रखा हुआ है। ठीक है, तो वो किटन क्या है, ठीक है, तो किटन क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। ठीक है, अगर मैं कैट मैं बात कर रही हूँ कि माय कैट इज वेरी सिक टुडे, मेरी कैट आज बहुत बीमार है, तो कैट क्या है, एक कॉमन नाउन है कि मेरी कैट बीमार है या फिर उसकी कैट बीमार है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नाम लेके कि माय किटन इज वेरी सिक, तो किटन क्या हो गया, मैंने कैट के बारे में बात की लेकिन उसको स्पेसिफाई किया किटन का नाम दे करके। श्योर, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि हम जिस चीज के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं।
ठीक है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम मतलब इट्स लाइक अ अनटचेबल थिंग, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, द बॉय शोड ग्रेट कारेज, कि उसने एक बहुत ही कारेज मतलब हो गया कि उसने बहुत ही एक हिम्मत वाला काम किया, उसने एक हिम्मत से दिखाई किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो द बॉय शोड ग्रेट कारेज, उसने एक हिम्मत दिखाई बहुत ही बड़ी। तो अब हम क्या है, अब हम उस जो उसने वो हिम्मत दिखाई, क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं। उठा के कहीं रख सकते हैं? नहीं। वो क्या है, इट्स ओनली लाइक अ थिंग, और वी कैन ओनली फील दैट थिंग। अभी हम सपोज करो कि स्वीटनेस है, स्वीटनेस मतलब हो गया मीठा, मिठास, वीकनेस, हमें वीकनेस फील होती है, होप, हम किसी चीज़ के लिए होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, हमें डाउट है किसी चीज़ को, तो डाउट डाउट है, तो हमें वो सारी चीज़ें क्या है, हम सोच रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते। तो वी कैन सी, हम जैसे यहाँ पे दिया है कि वी कैन सी द सन, हम सन को देख सकते हैं, वी कैन टच अ बुक, हम बुक को टच कर सकते हैं, बट वी कैन सी और टच करेज, क्या हम टच को कारेज कारेज को टच या सी देख सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, सच अ नेम इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन चाइल्डहुड, उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो चाइल्डहुड क्या हो गया, एक ये फील हो गया, एक सोचने का तरीका हो गया, हम उसको टच नहीं कर सकते, राइट। द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब उसमें एक बहुत ही ताकत है, स्ट्रेंथ है किसी चीज़ को पुल करने की, पुश करने की, तो उसमें ग्रेट स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ क्या है उसकी, एक इस टाइम स्ट्रेंथ क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द ग्रोप देयर वे थ्रू डार्कनेस, डार्कनेस क्या हो गया, अंधेरा, अब अंधेरे को हम छू सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। श्योर? तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, व्हाट इज़ अब एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ कॉमन एंड व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। तो स्टूडेंट्स, काइंडली प्लीज़ रिवाइज दिस कॉमन, प्रॉपर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक, एंड प्लीज़ सेंड मी the photographs of these two exercises. I will get back to you after seeing that you are doing right or wrong. Just put it right like this: childhood, it's abstract, or like abstract in capital form. And in this exercise, you have to be like this: Mr. Lal is what? Mr. Lal is proper, and Mr. Abdul Latif proper. अच्छा, प्रॉपर नाउन में हमेशा आपको एक चीज़ याद करनी है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये प्रॉपर नाउन की जो पहचान एंड आइडेंटिफिकेशन करने का जो एक तरीका है प्रॉपर नाउन का, वो ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, हमेशा। जैसे कि हरी है, हरी तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब्दुल इज ऑल्सो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो ये आपको एक्सरसाइजेस करनी है टू फाइंड आउट दी अंडरलाइन दी प्रॉपर एंड दी कॉमन नाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। श्योर? एंड वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे और इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। श्योर?